मुरादाबाद के विल्सोनिया स्कूल का लीड स्कूल के साथ टाई अप होने के बाद अब बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। इसी विषय को लेकर स्कूल में एक अभिभावक कार्यशाला का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्कूल के इस पहल का स्वागत किया। स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि बढ़ते युग में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम लीड स्कूल के साथ मिलकर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित विल्सोनिया स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे। अभिभावक कार्यशाला हुई आयोजित। रविवार को आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ स्कूल के डायरेक्टर शरीन संतराम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में आए अतिथियों का प्रधानाचार्य द्वारा बुके देकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर यह बताया गया कि नई तकनीक के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये नया कदम उठाया गया है। इस सुविधा के लिए किसी को कोई अधिक फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बस मकसद से दिए हैं कि नई तकनीक के साथ बच्चों को शिक्षा दी जाए और हर सुविधा बच्चों को मुहैया कराई जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब स्कूल ने ये कदम उठाया है कि भविष्य में हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बच्चों को एक नए अंदाज में आप देख पाएंगे। क्लास में यही होता है, मोस्ट क्लासेस में टीचर बेस्ट कोशिश करते हैं बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन क्लास में जो बच्चे बैठे हैं सबका सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, इसलिए वो अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। और हमें पता कब चलता है, एग्जाम में जाकर के। तो अभी तक यही हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते, जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है, हमने पढ़ाई करी रटने वाली, व्हाट इज नाउ, दांडी मार्च कब हुआ था, बॉयजी क्या है, बट अब जमाना बदल रहा है। अब क्या हो रहा है कि उस नाउन को आप कैसे इस्तेमाल कर पाओगे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि बढ़ते युग में हमें भी बदलना जरूरी है, ऐसे में ये नई सुविधाएं बच्चों के साथ एक लाभदायक साबित होंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताकर कि आज विल्सोनिया कॉलेज सिविल लाइंस में हम लोग ने दो एकेडमिक पार्टनर्स के साथ उसका लॉन्च का ये प्रोग्राम है, लीड स्कूल एकेडमिक एक्सेलेंस एंड नारायणा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ विल्सोनिया कॉलेज का नया एकेडमिक पार्टनरशिप। क्या फ़ायदा पहुंचेगा इससे? हम लोग ने लीड स्कूल का जो है प्रोग्राम वो किंडरगार्टन से केजी क्लास से क्लास फाइव तक के लिए है। ये एक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसके साथ मैथ्स का भी इम्प्रूवमेंट होएगा, जनरल अवेयरनेस, साइंस, सोशल साइंस वगैरह का इम्प्रूवमेंट है। इसकी गारंटी है इस प्रोग्राम की कि 150% इंक्रीज इन द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश का इनका थ्रू दिस प्रोग्राम द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग। क्या आवश्यकता पड़ी सर इसकी? सर वी फील कि नॉर्मल तो टीचिंग हम लोग की चलती है, जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह की है वो तो चलती है, बट ऑन अ डे टू डे लेवल जो इंग्लिश स्पीकिंग है, खासतौर से हमारा मुरादाबाद शहर में इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, जैसे बच्चों को हॉस्टल्स वगैरह में होता है। उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट का नज़रिया करते हुए हम लोग ने सोचा कि वी शुड हैव सम अदर प्रोग्राम बिसाइड्स द नॉर्मल टीचिंग, लेकिन ये भी हम लोग का करिकुलम का ही पार्ट होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द रेगुलर करिकुलम, इट वोंट बी कि इन लोग को अलग से कुछ करना होगा, ये करिकुलम में ही हम लोग इसको शामिल करेंगे। अभिभावकों को इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी? कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन। जो बुक्स जैसे पहले थी वही लीड स्कूल के ही बुक्स अब लगेंगी और उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसके लिए नहीं है।